दोस्तों जो ये आप प्यारे प्यारे फ्लावर्स देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये वाइट कलर का फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए इसमें कई कलर के फ्लावर खिलते हैं, मेरे पास भी काफ़ी वैरायटी है। दोस्तों कैसे हैं आप? आज हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको देंगे गजानिया के फ्लावर्स के बारे में। देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, ये आपके गार्डन की खूबसूरती में लगाएंगे चार चांद दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, लगभग ये पूरा साल ही खिलते हैं। आप बरसात के एक दो महीने छोड़ दीजिए, उसमें नहीं खिलते, अदरवाइज़ पूरा साल खिलते हैं। और हमें इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्दियों के सीज़न में इसको फुल सनलाइट देनी है, हमने पूरे 8 से 10 घंटे की सनलाइट देनी, जब तक सूरज निकलता है पूरी सनलाइट हमने इसको देनी है। तो सर्दियों में पूरी सनलाइट देनी है। गर्मियों में क्या करना है, ज़्यादा गर्मी इसको पसंद नहीं है, ज़्यादा गर्मी में इसको हल्का सेमी शेड एरिया में रख दीजिए जहाँ पे इसको 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाए तो ये ब्लूम करेगा। देखिए दोस्तों मेरे पास तो इसकी 4 से 5 वैरायटी हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं ये और गार्डन की सुंदरता में चार चांद लगाते ही रहते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही सुंदर फ्लावर खिलते हैं, देख के मन खुश हो जाता है। और दोस्तों इसकी एक बात और बता दूँ, नर्सरी से अगर आप लेने जाएंगे तो बहुत सस्ता मिलता है, केवल 25 रुपये में। इसके हम 2 प्लांट लेके आए थे इस सीज़न में, और लास्ट सीज़न में हमारे पास 2 प्लांट थे, उसके हमने 10 बना लिए थे। बड़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा पानी से इसको परहेज़ है, ओवर वाटरिंग तो इसमें भूल के भी ना करें। और ख़ास तौर पर रेनी सीज़न में ये प्लांट मर जाते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से, तो रेनी सीज़न में इनको शेडो में रख दीजिए, सेमी शेड एरिया में रख दीजिए जहाँ पर इसको पानी कम पहुँचे। बरसात में कभी कभी इसमें पानी, आप बरसात का पानी लगने दीजिए, अदरवाइज़ इसको पानी से बचा के रखिए, वरना ये मर जाते हैं। अदरवाइज़ ये आपके गार्डन को अपने आप से भर देंगे, अपने फूलों से भर देंगे। इसके प्लांट्स आप चाहें तो सैकड़ों प्लांट्स ये कर सकते हैं दोस्तों। इसको लगाने का बड़ा अच्छा तरीका, देखिए इसके ये इसमें फ्लावर जो होते हैं इसके अपने आप सूख के खिल जाते हैं, और खिल के अपने बीज को नीचे झाड़ देते हैं तो इसका मुँह खुल जाता है, जो मुँह ओपन होता था। अब इनके भी ये देखिए बीज ले लीजिए, और इसको किसी भी आप दूसरे प्लांटर में डाल दीजिए, इसको अलग गमला देने की जरूरत नहीं है, उसमें आप डाल दीजिए, उसकी मिट्टी में इसको ऊपर डाल दीजिए, 1 इंच के एरिया में इसको दबाना है, ज़्यादा नीचे नहीं दबाना, डीप में दबाएंगे तो नहीं निकलेंगे, आधा से 1 इंच के एरिया में दबाना है, उसके ऊपर मिट्टी से कवर कर देना है। और ये दोस्तों सैकड़ों की संख्या में लग जाते हैं, बड़े आराम से लग जाते हैं। देखिए ये इसके पके हुए बीज हैं, जो कि जैसे ही एक फ्लावर ब्लूम करता है दोस्तों वो कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक ब्लूम करता है, उसके बाद वो सूखना शुरू होता है, मुरझाना शुरू होता है, और दोस्तों कंटिन्यू ब्लूमिंग देगा। गर्मियों में इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। अब देखिए नीचे इसने कैसे बीज अपने गिरा दिए हैं, तो खुद इसका जो वो जो इसका बड है वो ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद बीज नीचे गिर जाते हैं। तो उस कंडीशन में उसके बीज को लीजिए और किसी भी दूसरे प्लांटर में लगा दीजिए, और प्लांट के नीचे लगा दीजिए जैसे मैं लगा रहा हूँ देखिए, और दोस्तों बड़े आराम से खिल जाते हैं, बड़े आराम से प्रोपोगेट हो जाते हैं और आपके गार्डन को भर देंगे दोस्तों। इतने सुंदर फ्लावर हैं दोस्तों, एक तरह से मेंटेनेंस फ्री फ्लावर हैं, मेंटेनेंस फ्री इसके प्लांट होते हैं, तो बड़ी आसानी से लग जाते हैं, और ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ब्लूम करते हैं और गार्डन की सुंदरता बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों बहुत चीप एंड बेस्ट मेरे हिसाब से गजानिया का ये प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है, इसको आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, और एक नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 30 से 40 लगाने चाहिए, आप खुश हो जाएंगे। इसको एक इसका डिपार्टमेंट अलग बना दीजिए, एक इसको अलग से आप पूरा वो दे दीजिए शैमी शेड एरिया में गर्मियों में, और सर्दियों में पूरा इसको धूप में रखिए, और जब इसकी मिट्टी पूरी सूख जाती है, जब इसको वाटरिंग करें एक बारी भरपूर वाटरिंग कर दें, उसके बाद फिर इसकी अगर मिट्टी पूरी ड्राई होती है तभी इसकी वाटरिंग करें। और देखिए इस तरह से आप इसके बीजों को प्रोपेगेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं और आपके गार्डन को भर देंगे। और दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं चीप एंड बेस्ट प्लांट है। देखिए अभी ये नीचे इसमें बीज इसके अपने आप गिर गए थे अपने प्लांटर में, किस तरह देखिए इसके छोटे छोटे जो इसके प्लांट्स हैं वो निकल के आ गए हैं, और किस तरह देखिए किस तरह से प्रोपेगेट हो रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद निकाल के किसी दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दें और इसको आराम से लगाएं। बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, सर्दियों में इसको फुल सनलाइट देनी है, गर्मियों में इसको ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है तो इसको सेमी शेड एरिया में रखें, पानी इसको हिसाब से दें, जब इसका सरफेस सूखे तभी पानी दें, और कभी कभी अगर थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी खिला देंगे दोस्तों इसको तो कोई बुराई नहीं है, और अच्छी ब्लूमिंग करेगा और अच्छा आपके गार्डन को सजाएगा। और दोस्तों इसमें कलर्स की भरमार है, कलर्स इसमें बहुत आते हैं, अभी मेरे पास 5 से 6 कलर इसके हैं, उससे ही मेरा गार्डन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों। दोस्तों इस प्लांट को, इस गजानिया के फ्लावर के प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, ये आपके गार्डन की सुंदरता को ज़रूर बढ़ाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्लांट है, चीप एंड बेस्ट प्लांट है। दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।